मेले का दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा है। आज ब्रह्मोहरत से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। ठंड के बावजूद संगम में आस्था की डुबकी लगातार श्रद्धालु लगा रहे। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से कल्पवास की शुरुआत हो चुकी है। मेला क्षेत्र में 4000 रनिंग फीट से ज्यादा के घाट बने हुए हैं। वही 768 हेक्टेयर में 6 सेक्टर में बसाया गया है ये पूरा माघ मेला। स्नान पर्व और 20 लाख श्रद्धालु के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। खुशी हो रही है, आज से स्नान स्टार्ट हो गया। आज माघी पूर्णिमा का पहला स्नान है। अब जो कल्पवास करेंगे वो एक महीने करेंगे और फिर राम मंदिर भी बना हुआ है, तो हम सब बहुत खुश हैं। ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। सबका कल्याण हो, सब खुश रहें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि पौष पूर्णिमा की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालु कितने बजे से वहां पर तट पर और घाट पर आने शुरू हो चुके हैं? देखिए, अगर बात किया जाए तो संगम के किनारे तंबुओं का शहर बस चुका है पूरी तरीके से। जब शाम का यहाँ का नजारा अद्वितीय हो जाता है और 15 जो जनवरी है मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई थी। माघ मेले का आज दूसरा स्नान पर्व है, पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है और इस माघ मेले की जो आत्मा कहे जाते हैं कल्पवासी, अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आज से वो कठिन तप साधना का संकल्प लेंगे और एक महीने तक, यानी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक एक महीना तक वो यहाँ पर रहेंगे। नियम संयम के साथ दोनों टाइम गंगा स्नान करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे और जमीन में शयन करेंगे। इस तरह का संकल्प लेकर जो गृहस्थ यहाँ पर कल्पवास करने के लिए आते हैं, अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पौष पूर्णिमा का ये माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व है। रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है, अभी भी जो घाट के आसपास घना कोहरा छाया हुआ है। इस सब के बावजूद यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आने का क्रम है लगातार जारी है। भोर से ही गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि जो अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, 12 स्नान घाट बनाए गए हैं जहां पर पौष पूर्णिमा का स्नान पर स्नान हो रहा है। 6 सेक्टरों में पूरे मेले को बसाया गया है और 6 ब्रिज बनाए गए हैं, पांटून ब्रिज जो गंगा नदी पे इस और उस पार करने के लिए है। जो रोड बनाई गई है चकर प्लेट की बनाई गई है और जो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, यानी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो प्रशासन भी यहाँ के लोगों को मुहैया करा चुका है और माघ मेले का आज दूसरा स्नान पर पौष पूर्णिमा का स्नान वो लगातार चल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2024 का माघी पूर्णिमा का पहला स्नान है और अयोध्या मंदिर भी बना हुआ है, उसकी पाठ प्रतिष्ठा हुई है। इससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है और यहाँ जो लोग कल्पवास करते हैं वास्तव में उनको बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इतनी ठंड में इतना रहना। और हम लोग तो यहीं लोकल इलाहाबाद रहते हैं, हम लोग भी हर स्नान नहाते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है और माघी पूर्णिमा का स्नान है। मैं तो कहती हूँ सब जितने भी देशवासी हैं सबको करना चाहिए। अब आज का यही है कि सुबह सुबह गंगा स्नान किए हम लोग, संगम आके और संगम में ही रुके हुए हैं, तो आज अब यहाँ जाने के बाद जौ बोएंगे, तुलसी लगाएंगे, उनका पूजन। जी, पौष पूर्णिमा का पर्व है और आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत 2 दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। प्रातःकाल से कल्पवासी और अन्य स्नानार्थी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से आप देख रहे हैं कि शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से चाहे वो अयोध्या से साधु संत आ रहे हों या अन्य तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हों संगम राज में, तो उसको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन संगम घाट पर और सभी अन्य स्नान घाटों पर सुनिश्चित किया गया है। लखनऊ की सड़कों पर उतरी सेना।